शुक्रवार को हरदा जिले के खिरकिया में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों का जमकर गुणगान करने के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कई सवाल पूछे। हरदा जिले के खिरकिया में प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ हेलीकॉप्टर से हेलीपैड पर उतरे और वहां से शीघ्र ही मंच पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 21 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है, वहीं बिजली बिल आधे कर दिए गए, पेंशन भी 300 से बढ़ाकर 600 कर दी गई है। मध्य प्रदेश के 47 लाख किसानों के 21 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। ये इससे आप परिचित हैं और हम वचनबद्ध हैं कि जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म होता है, जो हमने कहा था कि हम हर किसान का कर्जा 2 लाख रुपए तक का माफ करेंगे, हम करेंगे, ये हमने किया। ये पूरी सूची है जिनका कर्जा माफ हुआ है और जिनका कर्जा माफ होने जा रहा है। हम केवल डिफॉल्टर का कर्जा नहीं, पहली दफा इतिहास में हमने जिनका चालू खाता है उनका कर्जा भी माफ करने का वचन दिया है। ये हमारा वचन था। हमने कहा था हम बिजली का बिल आधा करेंगे, आधा हुआ बिजली का बिल, बताइए आधा हुआ। हमने कहा था 100 यूनिट 100 रुपए हुआ, ये शहर से पूछिए हुआ। हमने कहा था हम पेंशन 300 रुपए से 1000 रुपए करेंगे, हमने 2 महीने में 300 रुपए से 600 रुपए कर दी। हमने कहा था शादियों का हम 51,000 रुपए देंगे, कर दिया। ये सब आपके सामने है। मैं तो शिवराज सिंह जी से कहता हूं आप आके हरदा टिमरनी को 15 साल का हिसाब किताब दे दीजिए, कॉलेज का हिसाब दे दीजिए, आप ये नहर का हिसाब दे दीजिए, पानी का हिसाब दे दीजिए, जो यहाँ पानी की समस्या थी, पानी की समस्या हल करने के लिए मैं केंद्र मंत्री था, मैंने योजना दी, मैंने पैसा दिया, क्योंकि मेरा आप सबसे बहुत पुराना संबंध है, आप सबसे बहुत पुराना संबंध है, इसीलिए दिया। और इस दौरान जिला अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पटेल, नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती यशोदा पाटिल व पूर्व विधायक आर के दोगने ने भी संबोधित किया। वहीं टिमरनी के युवा नेता कुंवर अभिजीत शाह ने जोरदार भाषण दिया, जिससे जनता गदगद हो गई। श्री कमलनाथ ने कहा कि खिड़किया से मेरा पुराना नाता है, मैंने जल आवर्धन योजना दी ताकि प्यासे न रहे, नगर में कॉलेज, बस स्टैंड, लेडी डॉक्टर भी मिलेगा। इस मौके पर प्रभारी मंत्री पीसी शर्मा, रामू टेकाम, आदिवासी नेता अजय शाह, रानू पटेल, पार्षद मीना मालाकार, नागू पटेल सहित बड़ी संख्या में जनता पहुंची। आज भी वही करना चाहूंगा तो बोलेंगे मेरे भारत माता की जय, बोलिए भारत माता की जय। मजा नहीं आया? या आसपास मौजूद भारतीय जनता पार्टी के दलालों को आवाज जाना चाहिए कि असली देशभक्त आज यहाँ मौजूद है। बोलिए मेरे साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसी जोश के साथ कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरी थी और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़के हमको आजादी दिलाई थी। आज ढोंगी जी पूछते हैं कि 70 साल में हुआ क्या है। मैं ढोंगी जी से पूछता हूँ कि जिस अस्पताल में आप पैदा हुए हैं वो सरकारी अस्पताल था जो कांग्रेस ने बनाया था, जिस स्कूल में आप पढ़ने गए वो सरकारी स्कूल था जो कांग्रेस ने बनाया था, जिस दिल्ली एयरपोर्ट से आप हवाई अड्डे से उड़ान भरते हैं वो कांग्रेस ने बनाया था। यानी आपको पैदा करने से लेके पढ़ाने लिखाने तक कांग्रेस पार्टी का हाथ था। आप पूछते हैं कि 70 साल में हुआ क्या है, ये तो वही बात है कि एक माँ बाप ने हमें पढ़ाया लिखाया, हमें इस काबिल बनाया कि हम कुछ कर सकें, और एक नई दुल्हन आती है और पूछती है कि तुम्हारे माँ बाप ने क्या किया है। कांग्रेस पार्टी हमारी माँ की तरह है और ये भारतीय जनता पार्टी एक नई नवेली दुल्हन की तरह है जो हमारे माँ बाप पे सवाल उठा रही है, हमको जवाब देना होगा। आज हरदा से दोपहर न्यूज के लिए सुनील मालाकार।